हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द काशी व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे वाराणसी में अलकनंदा क्रूज और गंगा आरती दर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि क्रूज बुकिंग कैसे करनी है, बोर्डिंग कहाँ से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है वाराणसी का अलकनंदा क्रूज। तो चलिए इसकी बुकिंग से शुरू करते हैं। क्रूज़ बुक करने के लिए अपने मोबाइल पर गूगल करिए अलकनंदा क्रूज़ वाराणसी, और रिजल्ट से जो पहला ही रिजल्ट है अलकनंदाक्रूज.com, उस वेबसाइट पर आपको इस तरह का पेज मिलेगा। इसमें बुक नाउ का जो बटन बना है उस पर क्लिक करिएगा, तो आपको ये इसमें दो टूर दिखाई देगा, इवनिंग टूर और मॉर्निंग टूर। तो इवनिंग टूर पर क्लिक करिएगा तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक अलकनंदा के लिए, एक भागीरथी के लिए। आपको अलकनंदा पर बुक नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये अवेलेबिलिटी का पेज दिखाएगा कि डेट और अवेलेबल स्लॉट आपको सेलेक्ट करना है। सपोज़ आपने डेट सेलेक्ट किया इसमें 25 अगस्त, और स्लॉट आपने 6:30 PM, तो ये अवेलेबिलिटी दिखाएगा। क्रूज़ में जो ग्रीन रंग के ऑप्शन हैं यानी कि वो अभी अवेलेबल हैं, और ऑरेंज यानी कि वो फिल्ड हो चुके हैं। आप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो रेट होता जाएगा, और नीचे उसका सीट नंबर और प्राइस आ जाएगा। एक टिकट का अमाउंट 900 रुपीज़ पर पर्सन है, और अप टू 2 ईयर्स के लिए ये फ्री है। इसके बाद प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करिएगा तो एक बेसिक पेज आ जाएगा जिसमें आपको नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, बेसिक डिटेल्स बेसिकली आपको भरना होगा। तो वो सब आप फिल करके आप नीचे कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करिएगा तो पेमेंट के लिए पेज आ जाएगा, जिसमें कि आप जो भी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन हैं, UPI, गूगल पे वगैरह वगैरह, उनसे आप पेमेंट पे क्लिक करके, और ये आपका ई टिकट इस तरह से जनरेट हो जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स इसमें दी रही होंगी। तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। और हम निकल गए हैं अब अलकनंदा क्रूज के लिए, जिसके लिए हमें जाना है रविदास घाट। घूमने जा रही हो? घूमने घूमी 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 चाचू ड्राइविंग कर रहे हैं, और आप रास्ते का मजा लीजिए, बाकी के अपडेट वहां पहुंच कर। पहुंच गए हैं रविदास घाट, और घाट के जस्ट बगल में है रविदास पार्क। हेलो काशु जक्या। बहुत उमस है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का वो है कम से कम कि मौसम साफ है। अदरवाइज यहाँ पे 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, और हम लोग यही मना रहे थे कि बारिश ना हो, हमारे टिकट, हमारा प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस समय हम लोग चल रहे हैं रविदास पार्क में। काशु को नींद आ रही है, मौसम भी गर्म हो रहा है। हाय गाइस। हे गाइस, हेलो काशु के छोटू भैया, बड़े भैया। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रविदास घाट पर, और यहाँ पर सारे क्रूज लाइंड अप हैं, और हमारा क्रूज है अलकनंदा, और 6 बजे का टाइम है उसका। हम लोग सभी चेक इन करेंगे। जैसा कि मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे और भी क्रूज खड़े हुए हैं, जैसे कि सैम मानिक का खड़ा है, भागीरथी खड़ी है, और एक और है अलकनंदा है वो भी। तो मैं आपको पहले गोबर भी दिखाता हूँ, देखिए।
6 बजे का शेड्यूल टाइम है, बट थोड़ा निकलने में 6:15-6:20 हो ही जाता है। बट हमारी काशू थक गई है आज बहुत, गर्मी कटिंग सेरेमनी हुआ, अन्नप्राशन हुआ, उसके बाद यहाँ आई है तो काफ़ी थक गई है, तो अभी वो सो रही है, इसको नींद आ गई है। पर हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ भी बने रहिएगा ताकि आपको पूरा फुल कवरेज हम दिखाएं अलकनंदा क्रूज और हार्ट दर्शन आज के एपिसोड। फ्रेंड्स बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है यार, अब हम बढ़ रहे हैं अलकनंदा क्रूज की तरफ, टिकट चेकिंग हुई और उसके बाद हम अंदर पहुंचेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अलकनंदा क्रूज की तरफ। आइए काश्मीर आइए। टिकट चेक इन की तरफ यहाँ पर टिकट चेक इन होगा। अब हम आ गए हैं अलकनंदा क्रूज के अंदर और थोड़ी देर में ये स्टार्ट होगा। और हमारी चाचू को चेयर की जरूरत नहीं है, उसको बुकिंग की भी जरूरत नहीं है, उसने फिर भी एक चेयर ले ली है स्लीपर में। हम लोगों को सीटिंग की मिली थी, काशू को स्लीपर की सीट मिली है। काशू घाट है और इसके जस्ट आगे है गंगा महल घाट। बनारस में बहुत सारे घाट हैं और ये सब एक बार एक लगे हुए हैं, तो आप सारे घाटों का दर्शन अलग अलग।
अब हम दशाश्वमेध घाट के पास से गुजर रहे हैं। काफी लोग यहाँ पर आरती देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए हमारे साथ राहुल सर भी आए और और काशू भी बहुत एंजॉय कर रही है। काशू को खेलता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। काशवी बाबू मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अलकनंदा क्रूज में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस अपने आप में यूनिक है। हालांकि ये जो आप नाव देख रहे हैं इसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट लाइक कि ट्रेन में स्लीपर भी है, बस एसी भी है, सेकंड एसी भी है। तो हर किसी का अपना ही एक एक्सपीरियंस है एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इसको बना सकते हैं एक बार जरूर कर। अब हम रिव्यूज लेंगे जो साथ में आए हैं। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है अलकनंदा क्रूज पे? पहली बार ट्रैवल कर रही हैं, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है आपको? यही सब कुछ पूरा एकदम प्रीशियस मोमेंट है। और अब हम हमारे साथ एक और ट्रैवल कर रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है। चलिए बहुत बहुत देखिए आप सबको रिव्यू। और ये मैडम, ये मेरी मैडम, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जरूर ट्राई। पहले पहले इस बालक की बात सुनिए, बालक बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं। बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? सब देखिए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हमने ट्रेन में भी सफर किया था, कार से भी, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह क्या बात है, ये लड़का बहुत स्मार्ट है। हाँ अरे माता जी, मम्मी 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 कैसा लग रहा है आपको? आपके अपना रणवीर को आई लाइक बनारस। ओके वेरी गुड। मैं सोचती हूँ मैं बार बार आऊँ यहाँ, अगर गंगा माई की कृपा हो। क्या बात है। रिटर्निंग में हम देखेंगे गंगा आरती, दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती। इस समय ये जटार घाट है और उसके बगल में है राम घाट और उसके आगे आने वाला है भोसले घाट
और यहाँ पर लाइन अप है एक के बाद एक घाट, आपको सारे घाटों का दर्शन, और ये बहुत ही मनोरम सीन है। हम दोनों दोनों घूमने आई है, ये काशी की फर्स्ट क्रूज यात्रा है और काशी पहली बार निकले बनारस। आरती घाट यहाँ पर आरती हो चुकी है, क्योंकि हम लोग उस समय वहाँ पर थे आरती में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब लोग धीरे धीरे निकलने की निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक अलग ही मेले जैसा माहौल है, झूले वगैरह भी हैं, पूरा पिकनिक स्पॉट है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार, एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जल्द मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।